ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन तो समाप्त हो गया, लेकिन रूस की नाराजगी और गुस्सा अभी तक दूर नहीं हुआ है। सम्मेलन के समाप्त होने के बाद रूस ने ब्रिक्स के अन्य देशों पर सवाल दागते हुए एकजुट होने को लेकर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। रूस की सरकारी अखबार रशिया टुडे ने ये पूछा है कि ब्रिक्स के 10 साल क्या वैश्विक विघटन के समय में 5 हेडस्ट्रॉन्ग शक्तियां एक साथ रहती है, और रूसी मीडिया ने भारत और दक्षिण अफ्रीका को छोड़कर ब्राजील की नीयत पर सवाल खड़े किए हैं और वहीं चीन पर पूर्ण सहयोग ना देने का आरोप लगाया है। और रूस का कहना है इस सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत का शानदार नेतृत्व किया, और इसी के साथ पीएम मोदी ने ब्रिक्स संगठन को कैसे ताकतवर बना सके इसे लेकर 10 सालों का विजन दिया। लेकिन इन सबसे उलट चीन, जो ब्रिक्स संगठन में आर्थिक रूप से सबसे ताकतवर देश है, वो सबसे ज्यादा बचाव की मुद्रा में दिखा, और रूसी मीडिया ने यह आरोप लगाया है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने संबोधन में ब्रिक्स संगठन को कोई दूरदर्शिता देने के बजाय भारत पर संरक्षणवाद की राजनीति का आरोप लगाया। शायद अभी भी चीन RCEP में भारत के इनकार को नहीं भुला पाया है। और वहीं ब्राजील पे हमला बोलते हुए रूसी मीडिया ने कहा है कि ब्राजील के मौजूदा राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो अमेरिका के कट्टर समर्थक है, और जो व्यक्ति अपने आप को दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा प्रशंसक बताता हो और जिसकी अर्थव्यवस्था पर अमेरिका का नियंत्रण हो, वो ब्रिक्स को लेकर अहम फैसले कैसे ले सकता है। हालांकि ब्रिक्स देशों के बीच इतनी असमानताओं के बावजूद रूस ने भारत की कोशिशों पर प्रशंसा करते हुए व्लादिमीर पुतिन ने 2020 में होने वाले अपने विजय दिवस समारोह के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और आगे ऐसे ही खास खबर देखने के लिए मेरे साथ बने रहे। जय हिंद, जय भारत।